इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव इस समय चरम पर है। ईरान के इसराइल पर हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा दिया है। इसराइल हमास युद्ध की वजह से पहले से ही भड़क रहा मिडिल ईस्ट एक और जंग की ओर बढ़ता दिख रहा है। ईरान इसराइल तनाव की वजह से दुनिया भर के देश भी अलग अलग गुटों में बढ़ते दिख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप जैसे देश हैं जो इसराइल के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ रूस जैसा शक्तिशाली देश है जो ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस जंग में ईरान का साथ देने की बात कही है। अमेरिका के दुश्मन नंबर एक रूस ने ईरान इसराइल युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस ने ईरान का साथ देने की बात कहते हुए अमेरिका को बड़ी धमकी भी दे डाली है। ईरान इसराइल के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए रूस ने अमेरिका को धमकाया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका इसराइल की मदद करता है तो वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो ईरान और इसराइल के मामले में दखल ना दे। पुतिन ने कहा कि अगर इसराइल ईरान पर जवाबी हमला बोलता है और उसमें अमेरिका उसका साथ देता है तो फिर रूस भी चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने कहा कि ऐसी स्थिति में रूस भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा रहेगा, हम खुलकर ईरान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मतलब साफ है कि रूस अमेरिका को ईरान जंग में कूदने से रोकने की कोशिश कर रहा है। रूस की चेतावनी ये बता रही है कि वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ है और अगर इसराइल हमला बोलता है तो वो ईरान के साथ जंग में कूद पड़ेगा। इसी बीच आपको बता दें कि सोमवार को इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले का जवाब तय करने के लिए दूसरी बार वॉर कैबिनेट को बुलाया है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने अपनी बैठक में कई विकल्पों पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य ईरान को उसके ड्रोन और मिसाइल हमले के लिए बिना संपूर्ण युद्ध के नुकसान पहुंचाना था। इसराइल के सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा कि हम आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। ईरान ने जो इसराइल के क्षेत्र में इतनी सारी मिसाइलें क्रूज मिसाइलों को दागा है उसका जवाब दिया जाएगा। इसराइल की सेना ने कहा कि ईरान को जवाब देने के लिए हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इसराइल का ये भी कहना है कि ईरान को सही समय और सही जगह पर जवाब दिया जाएगा। इसी बीच ईरान के उप विदेश मंत्री अली बघेरी कान ने कहा है कि ईरान इसराइल के किसी भी जवाबी हमले के लिए तैयार है, तेहरान सेकंड्स में इसराइल के हमले का जवाब देगा। इसी बीच अमेरिका ने इसराइल से ईरान पर हमला ना करने की अपील की है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इसराइल ईरान पर हमला बोलता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। ऐसे में अब सबकी नजरें इसराइल के अगले एक्शन पर है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।